गुड मॉर्निंग बच्चा। बेटा आज असी बेबे जी वार्तक लेख करांगे। वार्तक लेख आप रीडिंग भी कर चुके थे, लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे अपना वड्डे प्रश्न, ठीक है, वड्डे क्वेश्चन करने हैं। फोर क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप फिफ्थ क्वेश्चन करना है कि अपनी साहित्य वाला बुक ते नोटबुक खोल लो बेटा। बेबे जी वार्तक लेख दे विच लेखक ने अपनी माँ दे नाल, ठीक है, बचपन बिताया समा उदियां यादां नूं ताजा किया है इस वार्तक लिख दे। जब आप फोर्थ क्वेश्चन दे सी, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, औखा कम नपेरे चाड़न लई बेबे अपने पुत्रां नूं की संदेश दिंदी है। नपेरे मतलब कंप्लीट करन लई, जिवें बेटा कोई भी मदर है, जनरल ले लो बेटा, जिवें हुण सानूं कोई भी काम औखा लगता है, मुश्किल लगता है, ते साडी माँ सानूं किस तरह समझाउंदी है। एनी वन स्टूडेंट बेटा प्लीज रेज योर हैंड, जो तुहानू कोई भी काम औखा लगता है तुहाडी मदर तुहानू किस तरह समझाती है। यस जानवी, बेटा जानवी, जानवी अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा यस मैम। हाँ जी, कोई भी काम मुश्किल लगता है मदर किस तरह समझाती है बेटा तुहानू? मैम सानू हल्लाशेरी दिंदी है ते कहंदी है कि डरन दी जरूरत नहीं, वेरी गुड, ठीक है। सारा मेरे काम हो सकता है। हाँ, वेरी गुड, बोलो बेटा। हाँ ठीक है, भी सानू हल्ला शेर दिंदी है, मोटिवेट करते हैं भी कोई भी काम मुश्किल नहीं हुंदा, तुसी बस मेहनत करो, जे मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन तुसी जरूर सफल होवोगे। इसे तरह ही बेटा लेखक दी इस वार्तक लेख दे विच भी लेखक दी बेबे लेखक नू यही समझांदी सी कि कोई भी काम जिहड़ा मुश्किल नहीं हुंदा, कि मेहनत करोगे तो तुसी हर काम बड़ी आसानी नाल कर सकते हो। इस तों इलावा बेटा जवानी दी उम्र दे विच तां होर भी, ठीक है, असीं भाई दौड़ करके बड़ी आसानी नाल बड़ी ईजली काम कर सकते हैं ना। उसी तरह लेखक दी बेबे भी समझांदी सी ते उहने काफ़ी एग्जाम्पल भी दित्तियां। वो किहड़ियां किहड़ियां उदाहरणां सी? यस लक्ष्य शर्मा, लक्ष्य इस चैप्टर दे विच लेखक दी बेबे नूं किहड़ी किहड़ी उदाहरण दित्ती है उन्हें मोटिवेट करने लई? यस प्रसाद, प्लीज रेज योर हैंड, किहड़ी किहड़ी उदाहरण दिंदी है? यस जपजी बेटा। हाँ जी बेटा जपजी। यस, मक्खियां ने डंग तो डर दिया, आदमी जे मख्याल खाना नहीं छड़िया। खेत असी इस करके नहीं वोन जावांगे कि कंडियाई बड़ी है, या तुसी जवानी दे जे प्यास लगी है तां खूब उठ के आप पानी ले लो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छा। यस गुलशान, हां जी, लत्ते मार दियांगा, तू लत्ते मार दियांगा, गावां दा दूध चोनो नहीं हट जांदे। वेरी गुड, इनकी फोर एग्जांपल उन्होंने दित्तियां सी, ठीक है, इहदे विच आपां इहनूं कंबाइन करके लिखांगे। एक तो उन्हें केड़ी एग्जांपल दित्ती सी कि, ठीक है, जे आपां डंग मार दे, जे सानूं डर लगे कि मक्खियां डंग मार दिंदियां, डंग मारन दे डर तो असीं शहद खाना नहीं छड़दे। सैकिंड उन्हें केड़ी एग्जाम्पल दित्ती कि दुलत्ते मार दियां, जे सानूं डर है कि गां जिहड़ी की है मां दुलत्ते मारेगी तां आपां दुध जिहड़ा की है चोणो नहीं हटदे, दुध तां पीना ही है, चाहिदा है। थर्ड उन्हें एग्जाम्पल दित्ती सी कि जे किसे नूं प्यास लगी है, ठीक है, तां खूह पुट्टो ते पानी पी लवो, ठीक है। ते फोर्थ एग्जाम्पल कहिड़ी दित्ती कि खेतां दे विच असीं जाणदे आ ते कंडियाल दे डर तों, ठीक है, कंडियाल दे डर तों असीं जिहड़ा की है कणक दे दाने कढ़ना नहीं छड़दे, क्योंकि कणक तां सानूं चाहीदी चाहीदी खाण लई। उन्हें फोर एग्जाम्पल दित्तियां सी मोटीवेट करन लई किन्नू? लेखक नूं। उन्हें समझाया कि कोई भी काम मुश्किल नहीं हुंदा जे असीं मेहनत ना करिए ते लगन ना करिए। यह सारियां फोर एग्जाम्पल तुसीं कंबाइन करके लिख लेनी है। किहड़ी किहड़ी एग्जाम्पल दित्ती सी उन्हें मोटीवेट करदे आ, ठीक है, अपने लेखक नूं प्रेरित करदे आ, किहड़ी एग्जाम्पल लिखी? फर्स्ट दित्ती सी कि मक्खियां दे डंग मारन दे डर तो असीं की खाना नहीं छड़दे? शहद खाना नहीं छड़दे। सैकिंड उन्हें किहड़ी एग्जाम्पल दित्ती? सैकिंड उन्हें दुलत्ते मार दियां गावां दे डर तो असीं दुध जिहड़ा की है चोणो नहीं हटदे। थर्ड उन्हें एग्जाम्पल दित्ती सी जे तुहानूं प्यास लगी है तां की करो? खूह पुट्टो ते पानी
पी लवो। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल कि ठीक है खेतां दे विच इसलिए आप दाने नहीं करते कंडिया के डर तो। ठीक है, कंडिया के डर तो असी दाने कढ़ना नहीं छड़दे, इसलिए उन्हें लेखक नूं भी समझाया कि तुहानूं डरना नहीं चाहिदा, कोई भी काम मुश्किल नहीं हुंदा, मेहनत करके तुसी कोई भी काम कर सकते हो ते जीवन दे भी तरक्की हासिल कर दिंदे हो ते उस तों बाद परमात्मा भी जिहड़े मेहनत करदे हन ते परमात्मा भी उन्हां दा जरूर साथ दिंदा है। क्लीयर है बेटा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्लीयर क्लीयर है बेटा सारिआं नूं? नैक्सट करिए पुत्तर। ओके, नैक्सट क्वेश्चन है इस पाठ दे विच बेबे ने जिंदरा अते कुंजिया शब्द किस लिए वरत्या है? वन मार्क्स क्वेश्चन भी कराए ना तुमने, ते क्यों? ठीक है, ये शब्द उन्हें किस लिए वरत्या ते क्यों? यस बेटा रेज जो है, ये शब्द उन्हें किस लिए वरत्या सी ते क्यों वरत्या? सिक्स क्वेश्चन, ओनली वन स्टूडेंट गुरशान। यस बेटा गुरशान। यस मैम, इस पार्ट विच बेबे जिन शब्द अपने लिए वरतदी है ते कुछ अजी शब्द अपने बच्चों लिए वरतदी है, क्योंकि बच्चों के आने नाल मां रूपी जिंदरा खुल के खुशियां ते हासे प्राप्त करता है। हां, जिंदरा मनिया जाता है क्योंकि उन्होंने सिर उत्ते घर का कोई फिक्र नहीं हुंदा। वेरी गुड, इको ने जिंदरा शब्द अपने आप लिए वरते ते कुंजियां अपने बच्चों लिए क्यों वरते हैं? क्योंकि बेटा जब तक एक मां दे कोल उहदे बच्चे उहदी अखां सामने नहीं हुंदे, ठीक है, बच्चे एक मां दे अखां दे सामने नहीं हुंदे तद तक मां जिहड़ी कि खुश खुल के जी नहीं पाउंदी, उहनूं खुशी नहीं मिलदी। ठीक है, जिस तरह जिंदरे दे नाल, ठीक है, जिस तरह चाबी दे नाल जिंदरा खुलदा है, उसी तरह ही मां रूपी जिहड़ा दिल है कदों खुश हुंदा है? जदों उहनां दे बच्चे कोल होण। वैसे ही बेटा, ठीक है, जदों साडे घर दे विच बुजुर्ग हुंदे हन तो सानू किसी किस्म की कोई चिंता फिक्र नहीं होंगी, असी घर नू ताला ला के नहीं जाते, बेफिक्र होकर असी किते भी जा सकते हैं। क्लीयर है बेटा क्वेश्चन सारे नू? यस, रिपीट करो बेटा। अंशिया, अंशिया आंसर रिपीट करो बेटा। यस मैम। यस बेटा, मां ने अपने आप बेबे ने अपने आप नू जिंदरा किया है ते अपने बच्चियां नू चाबी किया है, जिवें जिंदरे नाल ही चाबी खुलदी है उसी तरह जे मां दे कोल उसदे बच्चे होन ता ही ओ खुश रह सकती है। मेंबर्स, ए लास्ट लाइन ए भी लिखनी है कि जदों भी साडे घर दे विच बुजुर्ग हुंदे हन, ठीक है, सानू किसी किस्म दी कोई चिंता फिकर नहीं हुंदी, असी बिना चिंता तो बिना फिकर तो असी किते भी जा सकते हां। ठीक है, लाइन जरूर लिखनी है। नेक्स्ट है, बेबे अपने पुत्रां अते रिश्तेदारां विचकार एक कड़ी दा काम किस तरह करदी सी? कि बेबे अपने पुत्रां ते रिश्तेदारां दे विचकार एक कड़ी दा काम किवें करदी सी? यस जिया बेटा, जिया जिया अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। बेबे नूं मिलण लई सारे पुत्तर ते रिश्तेदार आंदे जांदे रहंदे, इस करके उहनां विचकार आपसी संबंध भी कायम रहंदे ते उहनां दी सांझ भी रहंदी। इस तरह बेबे सारे पुत्तरां ते रिश्तेदारां नूं जोड़ी रखण वाली कड़ी दा काम करदी सी। वेरी गुड, कि बेबे इक रिश्तेदारां दे विचकार किस तरह कड़ी दा काम करदी सी? जदों बेबे जिंदा सी तां रिश्ते बेबे नूं मिलण दे बहाने सारे उहदे घर आउंदे, ठीक है, बेबे नूं मिलण लई उहदे लेखक दा भरा लेखक होर भी रिश्तेदार उहनां दे घर आउंदे सन, इस प्रकार उह कड़ी दा काम करदे सन। ठीक है, पर लेखक दी मां ने कहा कि जदों नहीं रही तां इस तरह लगेगा कि राजधानी टुट जावेगी। ठीक है, वैसे भी बेटा आम देखिया जांदा है कि अज कल दे समाज दे विच जदों तक साडे सिर ते बुजुर्ग हन, ठीक है, साढ़े घर के बुजुर्ग हैं उन्हों का साढ़े सिर पर हाथ है, तद तक उन्होंने मिलन के लिए रिश्तेदार आते जाते हैं, कि प्यार बनिया रहा है, बदो जो साढ़े सिर तो बुजुर्गों का हाथ उठ जाता है तो रिश्तेदार भी आना जाना बहुत घट हो जाते हैं। ठीक है, लाइन्स भी लिखनी है। ओके बेटा, नैक्सट क्वेश्चन, जदों बेबे बापू ना रहे उदों भी आया करोगे हूँ वाग, ये शब्द किसने
किस नूं ते क्यों कहे, जदों बेबे बापू ना रहे तां उदों वी आया करोंगे, ये शब्द किसने किस नूं ते कदों कहे। गौरव, गौरव अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, गौरव गौरव सारे रिश्तेदार लेखक दे नाल सारे लेखक दे छोटे भरा विच कठे होया कर घर विच कठे होया करदे सन अते दिन त्योहार मनांदे सन, इसलिए ओ आखदा है कि बेबे सारे परिवार नूं इकट्ठा जोड़ी रखदे हन ते बेबे इस परिवार नूं इक राजधानी आखदे हन। जे बेबे बापू ना रहे तां रिश्ते भी टुट जाणगे ते आना जाना घट जावेगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। शब्द किन्ने कहे सी, लेखक दे छोटे भरा ने कहे सी, किन्नू कहे सी, लेखक नूं कहे सी, ठीक है। ये कदों कहे, जदों सारे लोग जिहड़े कि रिश्तेदार उहदे घर इकट्ठे हुंदे सन, कदों इकट्ठे हुंदे सन, किसी दिन त्योहार दे समय, ठीक है। ते उसने होली जी इह वी कहा कि जदों बेबे बापू ना रहे तां उदों वी तुसीं अज वांग आया करोगे, क्योंकि बेटा अजोके समाज दे विच, अज कल दे समय दे विच, अजोके समय दे विच जिहड़े की है रिश्तेदार या प्यार रिश्तेदार या प्यार सिर्फ किदा रह गया है, पैसिया का ही रह गया है, ठीक है। जब तक साढ़े सीते बजुर्ग हैं तद तक उन्होंने मिलने लिए रिश्तेदार आते हैं, पर जब तक वह नहीं रेंदे, जो वह नहीं रेंदे तो रिश्तेदारा का आना जाना भी बंद हो जाता है। नैक्सट है लास्ट क्वेश्चन, लेखक नूं सुपने विच बेबे की काम करती नजर आती सी, अपने शब्द लिखो। चैप्टर के बिल्कुल लास्ट विच है, लेखक नूं बेबे की काम करती याद आती सी। यस बेटा, यस जानवी बेटा, जानवी मैम, लेखक नूं सुपने विच बेबे कदी खेत विच मिर्चा तोड़ती फिरती, कदी कपाह चुकती दिसती, कदी ओ बछरुआ दीआं बुखियां पलोस रही हुंदी, कदे ओ उसनूं फटे पुराने टाकियां वाले खद्दर दे कपड़े पाई, मिट्टी कट्टे विच लथ पर झाड़ू दिंदी दिसती हुंदी, कदी पाथियां भगती। वेरी गुड बेटा, जदों भी तुसीं इस क्वेश्चन आंसर देना, बस ए याद रखना कि पिंड दा माहौल लैके आना है, वी जिहड़ी स्टोरी है वार्तक लेके पिंड विच लिखिया गया, तो पिंड किहड़े-किहड़े काम हुंदे है उन्हां बारे लिखना है, ठीक है। कच्चा घर है, गरीब फैमिली है, तो पूरा पिंड का माहौल है, पिंड विच की काम हुंदे है। इसी तरह लेखक नूं सुपने विच उहदी माँ बेबे की काम करदी नजर आउंदी सी, लेखक नूं अपनी माँ बेबे खेतां दे विच की काम करदी आउंदी, क्योंकि पिंडां विच खेत हुंदे है, खेतां विच मिर्चां तोड़दी, कपाह चुगदी, खेतां विच मिर्चा तोड़दी, कपाह चुगदी, ते गावां मज्जां दे बच्चियां दियां बच्चियां नूं प्यार करदी जां उहनां दियां बूथियां पलोसदी, ते ओह मिट्टी विच लथपथ होई सी, ते उन्ने पुराने टाकियां वाले कपड़े पाए हुए सन। ये लेखक नूं उहदी बेबे बहुत प्यार करदी सी, ते लेखक भी अपनी बेबे नूं बहुत प्यार करदा सी। लेखक नूं सुपने विच उहदी माँ कोई ना कोई काम करदी नजर आउंदी सी, जिवें कदी उह दिखदा कि उहदी माँ कपाह चुग रही है खेतां दे विच, मझां गावां दे बच्चियां दीआं बूथियां पलोस रही है, उन्हां नूं प्यार कर रही है, खेतां विचों मिर्चा तोड़ रही है, ते होर भी बहुत सारे काम करदी नजर आउंदी। ते उहने कपड़े किहड़े पाए होए सन, टाकियां लगे हुए पुराने कपड़े, ते मिट्टी नाल लथपथ होए कपड़े पाई नजर आउंदी सी।
क्लियर है बेटा सारे क्वेश्चन सब नु? यस बेटा, अगर किसी भी क्वेश्चन विच कोई डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड। बेटा इस वार्तक लेख दे विच बेबे इस वार्तक लेख विच बेबे केहो जी इंसान सी या केहो जी पात्र सी? इस वार्तक लेख दे विच बेबे केहो जी पात्र है, केहो जी इंसान या पात्र है, इंसान है या केहो जी पात्र है, अपने शब्दों विच लिखो। यस रेज योर हैंड बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अपन पूरा चैप्टर बेबे जी बारे पढ़िया, ठीक है, ईजी होना चाहिए बेटा तुम आंसर देना। केहो जी पात्र सी, केहो जी इंसान सी? इस वार्तक लेख दे बेबे जी वो बड़ी नेक, ठीक है, इंसान सी, मेहनत करने वाली, नेक मेहनत करने वाली, अपने बच्चों नू प्यार करने वाली औरत सी, नेक सी, सियानी सी, एक नेक औरत सी, सियानी, सूझवान, अपने बच्चों नू प्यार करने वाली औरत सी। वो अपने बच्चों नू कोई भी जो काम औखा काम करना हुंदा तो उन्होंने समझाती सी कि कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। इस अलावा वो गावां बज्जां नाल भी बहुत प्यार करती, हमेशा किसी ना किसी काम दे विच रुझी रहिंदी, अते वो औरत दा दर्द भी समझती सी। जे कोई इंसान मर्द औरत नू कुटदा तो उन्होंने समझाती कि इस तरह लगता है कि तुसी औरत नू नहीं कुटिया, किनू कुटिया, धरती नू कुटिया है। वो अपने बच्चियां दा पूरा ख्याल रखती, ते जदों अपने बच्चियां दी पढ़ाई लिखाई दा प्रबंध ना कर पाई तो उन्हें अपने बच्चे लेखक नू अपने मामियां कोल भेज दिता, अपने भरावां कोल, तां जो लेखक पढ़ लिख चंगा ते नेक इंसान बन सके। समझ आ गई बेटा की लिखना इस क्वेश्चन च? यस बेटा, इस तो इलावा भी बेटा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर दे विचो, ओके, एक बार अच्छी तरह चैप्टर जरूर रीड करना है। बेटा आप प्रदूषण का लेख, ठीक है, वेकेशन तो पहला स्टार्ट किया सी, प्रदूषण की समस्या आप भूमिका कर बैठे, ठीक है, प्रदूषण का अर्थ भी कर लिया आप, नैक्सट चलेंगे प्रदूषण फैलन के कारण। पहला कोटेशन लिख लो बेटा, पहला प्रदूषण की, पवन गुरु पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु पानी पिता, माता तत महंत। बेटा दसोगे कि लिखी हुई है यह लाइना, कि लिखी हुई है? एनी वन स्टूडेंट, यह लाइन कि लिखी हुई है? यस मानवित मैम, जपजी साहिब। अच्छा जपजी साहिब दे ते दा मीनिंग की है बेटा? मानने वे ते दा मीनिंग की है मैम? पवन, पवन किसको कहते हैं? जपजी, जपजी बेटा मैम, गुरु नानक देव जी ने पवन नु गुरु दा दर्जा दिया है, पानी नु पिता दा, ते धरती नु माता दर्जा दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। यस गुरपाल, गुरपाल, गुरु नानक देव जी ने जपजी साहिब विच पवन यानी हवा नू पिता दा दर्जा दिता है, धरती नू माता दा दर्जा दिता है, पवन नू गुरु दा दर्जा दिता है, पानी नू पिता दा दर्जा दिता है, धरती नू माता दा दर्जा दिता है। ठीक है, वेरी गुड। लिखो बेटा क्वेश्चन, सब तो पहला स्टार्टिंग ही लिखनी है, जो लेख स्टार्ट करना है, पवन गुरु पानी पिता माता तत महत। गुरबाणी दे विच भी गुरु जी ने, ठीक है, पानी नू धरती नू ते हवा नू उच्चा दर्जा दिता है, किसना,
उन्होंने पवन नु हवा नु, पवन मतलब हवा, हवा नु गुरु किया है, पानी नु की क्या पिता, ते धरती नु की क्या मां किया है। पर फिर भी जो इंसान है बेटा अपने फायदे लई अपने लालच लई धरती हवा पानी मिट्टी नु की कर रहा है प्रदूषित कर रहा है। मनुख की है अपने लालच की खातर हवा पानी ते मिट्टी नु की कर रहा है प्रदूषित कर रहा है। भूमिका तुम मैं लिखवा देती है। फर्स्ट मेरा आप कर चुके हैं, सेकंड है प्रदूषण का अर्थ भी आप कर लिया है, थर्ड हम करांगे प्रदूषण फैलन दे कारण, फैलन दे कारण। ठीक है, जो फैलन दे कारण लिखने पहला लिख लेना है गुरबाणी दे विच भी गुरु ने हवा पानी ते धरती नू बहुत उच्चा दर्जा दिता है, पर इंसान जेड़ा है अपने फायदे लिए धरती हवा पानी मिट्टी नू की कर रहा है प्रदूषित कर रहा है। अपन लिख ली सी ना बेटा भूमिका कर बैठे ना भूमिका ते अर्थ, ठीक है मीनिंग लिखवाए ना धरती हवा मिट्टी पानी का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। थर्ड है उन्होंने सब हैडिंग करांगे रोमन नंबर दे विच। एनी वन पॉइंट बोलो बेटा, धरती पहला किस्मा लिखनी है, सॉरी पहला किस्मा लिखो बेटा इदियां प्रदूषण दे फैलन दे कारण, तो पहला दी किस्मा लिखने नु फोर्थ पॉइंट देना। थर्ड लिखांगे दी किस्मा प्रदूषण दी केड़ी केड़ी किस्म है। यस बेटा रेज योर हैंड, किस्मा केड़ी केड़ी है पुत्र, केड़ी केड़ी किस्म दा प्रदूषण हुंदा है। यस लक्ष्य बेटा लक्ष्य, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। यस बेटा किस्मा बोली पुत्र, केड़ी केड़ी किस्म दा प्रदूषण हुंदा है मैम। हवा दा प्रदूषण, हवा प्रदूषण, हां जल दा प्रदूषण, पानी दा प्रदूषण, पानी, थर्ड जमीन दा प्रदूषण, हां मिट्टी या जमीन, चैतन्या बेटा फोर्थ प्रदूषण है आवाज प्रदूषण, आवाज प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण। ठीक है फिर आप नीचे लिख लांगे, ठीक है फिर यह लिख लांगे, ठीक है मनुख ने जेड़ा कि मनुख अपने फायदे लिए हवा पानी मिट्टी ते जेड़े कि पूरे एनवायरमेंट नू वातावरण की कर रहा है प्रदूषित कर रहा है। मनुख अपने फायदे की खातर हवा पानी मिट्टी नू की कर रहा है प्रदूषित कर रहा है। गुरबाणी दे विच वी गुरु ने हवा नू पानी नू ते माता नू उच्चा दर्जा दिता है, पर फिर भी इंसान जेड़ा कि बिना सोचे समझे हवा पानी ते मिट्टी नू प्रदूषित कर रहा है। एदो बाद तुसी एक पैरा बना के लिख देना है टू या थ्री लाइन दे विच। क्लियर है बेटा किस्मा इहदियां, किस्मा क्लियर है बेटा सारे नू। नैक्सट पैरा असीं करांगे फोर्थ प्रदूषण फैलन दे हुण कारण, ठीक है फोर्थ पॉइंट प्रदूषण फैलन दे कारण। हम किस किस रीजन नाल प्रदूषण फैल रहा है, अपन सिक्स्थ विच भी चैप्टर कीते है बेटा फोर्थ पॉइंट प्रदूषण फैलन दे कारण। एक एक करके पॉइंट बोलो बेटा मैनू केड़े केड़े कारण है। हां जी लक्ष्य बेटा लक्ष्य, मैम पानी प्रदूषण इस करके फैलता है क्योंकि क्योंकि फैक्ट्रियां दा जेड़ा खराब पानी होंदा है और जेड़ा सीवरेज दा पानी होंदा है सीधा जाके वड्डे वड्डे समुद्रा च सुट्टिया जांदा है जिहदे नाल पानी दा प्रदूषण फैलता है ते ज्यादा तक लोकी रस्ते विच कूड़ा करकट फेंक दिंदे आ जिहदे नाल जमीन दा फैलदा प्रदूषण। ज्यादा तक मोटर गड्डिया हवा का प्रदूषण ज्यादा हो गया है। वेरी गुड,
ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਹੈਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵਨ ਹੈਡਿੰਗ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਬੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਡਿੰਗ? ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ ਬੇਟਾ। ਜਪਜੀ ਬੇਟਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲਕਸ਼ੇ, ਜਪਜੀ ਜਪਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂ, ਐਨੀ ਵਨ ਹੈਡਿੰਗ ਬੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ, ਧੂਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਧੂਏ ਕਾਰਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਧੂਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਧੂਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2-3 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਡਿੰਗ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਿਕਸਥ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤੇ। ਯੈਸ ਚੇਤਨਿਆ, ਚੇਤਨਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਬੇਟਾ। ਉੱਚੀ ਸਪੀਕ ਮੈਮ, ਉੱਚੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨੀ ਦੀ, ਹੋਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ DJ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ DJ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਬੋਲੋ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਕੋਈ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਜਾਨਵੀ ਬੇਟਾ, ਜਾਨਵੀ ਮੈਮ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। GN ਜਾਨਵੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਂਡ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ GN ਜਾਨਵੀ। ਹਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੇਟਾ ਜਾਨਵੀ, ਪਤਾ? ਪਲੀਜ਼, ਕਲਾਸ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਗਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੋ, ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੋ ਕੋਈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੋ ਗੁਲਸ਼ਾਨ। ਯੈਸ ਗੁਲਸ਼ਾਨ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰੋਗ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੈਮੀਕਲ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
एक्सप्लेन करना है। क्लियर है बेटा? जिन्हें भी पॉइंट्स लिखवाए हैं तुसी अपनी फियर नोटबुक से लिख लेने हैं, ठीक है। ज्यादा मात्रा भी रसायनिक खादा की वरतों करते हैं कैमिकल की, तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घट जाती है, तो जो फसल असं खाने अनाज के रूप में सानू कई तरह दी बीमारियां लग जांदियां, ठीक है। इन्ने पॉइंट तुसी अपनी फियर नोटबुक से लिखने हैं तो एक्सप्लेन भी करने हैं, बाकी आप कल लेख करांगे। चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो लेख थोड़ा जिहा रहेगा आप कल करांगे। ओके बेटा, ओके बेटा, बाय बाय बेटा।